वन मंदोरी माइनर जो चल रही है इसमें पिछले 25 वर्षों से पानी नहीं आ रहा था, लेकिन अब पानी तो इसमें वधू आ रहा है, बहुत पानी है। लेकिन एक समस्या ये हो गई लाइनिंग के बाद, ये नहर पक्की होने के बाद, कि यहाँ पर नहरी विभाग ने एक फाल बना दी और उसके बाद जो है आगे की नहर नीची हो गई, नहर नीची हो गई, पानी का लेवल नीचे हो गया और जो मोगे हैं वो ऊपर हो गए और बाहर जो ज़मीन है वो भी ऊंची रह गई और पानी भी नीचा हो गया नहर में। तो ये इनकी बड़ी जायज़ उचित मांग लगती है, तो वो आज एससी साहब के सामने उनसे बात रखी भी थी और उन्होंने समय दिया है कि मैं मंगलवार को आके खुद विजिट करूंगा। नहर जो है जो कोई मारे तो कोई फायदा नहीं, इससे पहले वाली अच्छी थी क्योंकि कुछ ना कुछ पानी लगता था, अब जमा ही नहीं लग रहा। 7 घंटा मेरे एक किला भीजे है, हिसाब लगा लो आप, 7-7 घंटा बारी किसके पास है, किसी के पास 2 घंटा है, किसी के पास 1 घंटा है। मारा मोगा है, पानी जरूरत वाला खेत में कैरी को नहीं बीजे जी, नहर में पानी बाप रहे जी, के करा मुँह धोवा के नावा, पर मारे जी मोगा में पानी नहीं चाले तो किसान मरण मरण भरी है जी, पर लाज के है ना, हमारा खेता में जा पानी ना, हमारा बाटर में पानी जा, रंगड़ी टैल पर पानी बाप रहे जी, नेजिए गाँव में बाप रहे, बीच में 8-10 मोगा है, आम में बिल्कुल ही पानी चलने का आसार को नहीं, मोगा जरूर दे दिया, पानी जरूर दिखा दियो, हमारे खाला पानी कौन चला जी, हमारे खेत में कैरी कौन बीजा है, सारा मोटो सरकार उन सरकास है भाई, क्यों करी करके इन नहर को तली ऊंची कर दे, बिजिया नेजिया करना ये बिसी मारी कर दे, ऊंची हो जाएगी तुम्हारे जी, सो पंतिया भी जो पानी मिल जाएगो, मैं संतुष्ट हाँ जी, पानी बहुत है, नहर बढ़िया है, सरकार बढ़िया है, कर्मचारी बढ़िया है, पर पानी बढ़िया है कौन जी। अगर 5-7 दिन में ये काम हो जाए ठीक है, नहीं हो तो हमें बताना आप जरूर, हमने अभी तक आपको ये बात नहीं बताई है, चीफ मिनिस्टर साहब ने ये बात कही है, ये हम आपको मतलब कहते हैं कि ये बात उन्होंने कह रखी है, हाँ जी एक मिनट, ये बात उन्होंने कही है जी। दूसरी बात ये है कि भी आप पदाधिकारी भी हो, पार्टी के एक सर्वसर्वा भी हो, तो आप चाहते हैं कि आपको अगर ये हमारी मांग जायज लगती है या आप वैसे ही बैठे हैं, अगर तो ये जायज है तो हमारे साथ आप लगो और इसको बनवाओ, अगर आपको लगती है कि भाई ये नजायज है हम अभी उठा लेते हैं आपके, तो आपका मन क्या कहता है, ये तो हम यूं है कि अगर तो आपके ये है कि भी सही हिसाब से बैठे हैं तब तो ये मतलब ही नहीं भी ना काम हो, अगर ये आपको लगता भी ये किसान ऐसे ही बैठे हैं तो फिर हम यहाँ बैठने का तरीका ही सीधी सी बात है जी। आपकी बात अपनों तक और जन जन के दर पर पहुंचाने आया है हाजिर हरियाणा, और इस समय हाजिर हरियाणा की टीम शाह सतनाम जी धाम जो कि डेरा सच्चा सौदा है और बिल्कुल उसके बगल में है बन बंदोरी नहर जहां किसानों ने डेरा डाल रखा है। अगर बात करें बन बंदोरी नहर की तो यहीं से लगते गांव नेजिया बेगू और अरिन्यावाली है, और अरिन्यावाली बेगू और नेजिया गांव के सभी किसान यहां डेरा जमा कर बैठे हैं। तो देख सकते हैं आप मेरे साथ इस समय बन मंदोरी नहर, तो आइए हम इन किसान भाइयों से पूछकर इनसे बात जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उन्होंने यहाँ डेरा क्यों डाला है, तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। तो जी क्या समस्या है जी? हमारे गांव बेगू नेजिया अरनियाली रंगड़ी ये 4-5 गांव हैं, नहर नहीं बनी है अब, और 25 साल बाद पानी आया है जी,
तो नहर जो वैसे तो सही बन गई लेकिन का लेवल सही नहीं निकाला इसने, हमारे जो नहर का लेवल है नीचा कर दिया और हमारा जो मोगा है उसका बेड ऊपर वो कर दिया। अब खालों में पानी नहीं जा रहा, खाले ऊंचे हो गए। तो ये सरकार ने तो पैसा दे दिया लेकिन जो आगे जो कर्मचारी हैं इन्होंने पता नहीं क्या ठेकेदारों ने मिली भगत करके ये किसानों के साथ धोखा किया है। और हमारे जो वाटर बक्स है पीने का पानी वो बेगू का एक बूंद भी नहीं है पानी उसमें, तो नहर मौके पे ऊपर है जी और वाटर बक्स साथ है और बड़े शर्म की बात है अभी उसमें पानी नहीं जा रहा। ये प्रशासन ने बहुत धोखा किया हमारे साथ, ये गाँव के साथ। हम ये चाहते हैं ये इसको लेवल ठीक किया जाए और जो कर्मचारियों ने धोखा किया है उनसे उनसे सजा की जाए। ये चार गांव के किसान बैठे हैं जी, बेगू, शाहपुर बेगू, अरनियावाड़ी, रंगड़ी, दिंगतानिया। अभी ये दो महीने पहले पक्की नहर बनी है तो इसके अंदर पीछे अलीमुंद गांव के पास है जहाँ से नहर शुरू होती है वहाँ पे एक फाड़ है 25 किलोमीटर में। लेकिन इन्होंने ये देखो कि नेजिया गांव निकलते ही दो नेजिया से आगे मतलब एक जाल और बना दी, फाल बना दी जो केवल 2 किलोमीटर और दूसरी जाल बना दी और उससे आगे 2 फुट नीचे नहर कर दी जो कि ज़मीन के लेवल में होगी। अब ज़मीन के लेवल में नहर है तो पानी भी मतलब ज़मीन के बराबर ही हो गया तो अब ज़मीन में पानी कैसे जाएगा। इससे आगे 12 मोगे पड़ते हैं किसानों के हमारे अरनियावाड़ी, शाहपुर बेगू, रंगड़ी, दिंगतानिया के, उन मोगों में पानी नहीं जाता, बेगू वाटर वर्क्स में भी पानी नहीं जाता। तो हमारी सबकी यही मांग है कि भी जहाँ पे ये जाल बनाई है वहाँ से लेके आगे रंगड़ी तक बेड को एक लेवल कर दिया जाए। जब तक ये बेड एक लेवल नहीं होगा हमारा किसानों सरकार से यही मांग रहेगी और सरकार से उम्मीद कभी करते हैं भी ये जल्दी करेंगे और इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। इन्होंने महकमे ने जानबूझ के किया है, पता नहीं क्यों किया है, महकमे ने जानबूझ के ये 2 फुट की फाल डाली है, किसके कहने से डाली है, किसके कुछ है, मतलब भ्रष्टाचार किया है, घोटाला किया है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि 25 किलोमीटर में पीछे अलीमुंद गांव के पास एक फाल है और उससे आगे केवल 2 किलोमीटर आगे फिर फाल डाल दी जबकि आगे ज़मीन ने तो नीची है ही नहीं, ज़मीन नीची होती तो फाल डाल देते, ज़मीन ऊँची आगे और नहर को नीचे डाल दिया। ये सरासर मतलब जई जो ताराचंद है वो हमें उसके ऊपर हमें पूरा शक है कि उसने भ्रष्टाचार किया है। ये लोग जो है नहरी महकमा के ये सरकार को बदनाम करना चाहते हैं और किसानों को परेशान करना चाहते हैं। हमारा सरकार से कोई दुश्मनी नहीं है कि हम 10 दिन से यहाँ धरने पे बैठे हैं, खेतों में बिजाई चल रही है और भी घर के काम है, ब्याह शादी है कि बड़ी मुश्किल से धरने पर बैठना पड़ता है किसान को तंग होकर। लेकिन अगर ये महकमा सरकार के कर्मचारी सही हिसाब से काम करते तो आज हमें ये समस्या नहीं आती और किसानों की बिजाई भी हो जाती। हमारे को आज 15 दिन नहर चलती हुई होगी, पानी पीने का पानी तो आ गया लेकिन खेतों में पानी लगने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए हम फिर से सरकार से ही सीएम साहब सैनी साहब बने हैं तब से हमें उम्मीद है कि वो एक अच्छे इंसान हैं, बढ़िया किसान हितैषी हैं और हमारी बात सुनेंगे। और हमने सीएम साहब जब कल मेडिकल का उद्घाटन करने आए थे तो हमने उनको एक दरख्वास्त भी दी है ये भी हमारा काम ये जो बनमंदोरी नहर का है ये जल्दी से जल्दी जो 2 फुट नहर नीची बनाई है इसको दोबारा से उस लेवल में बनाया जाए जहाँ पे ये जाल बनाई हुई है, लेवल में बना के ये जाल तोड़ दी जाए और टहल तक पानी पूरा पहुँचाया जाए। जय हिंद, जय भारत। तो कोई उक्त अधिकारी से बात हुई, कोई बड़ा अधिकारी हमारी एससी साहब से बात हुई थी, एक्शन साहब से हुई थी, एसडीओ साहब से हुई थी, डेयरी बैंक में से, तो उन्होंने हमें टाइम दिया है भी हम मंगलवार को आएंगे जी, जो आने वाला है ना मेरे ख्याल में 26 तारीख होगी मंगलवार को, उस दिन आएंगे मौके पर। लेकिन आज हम यहाँ पर पार्टी की ओर से, भाजपा की ओर से जगदीश चोपड़ा जी, प्रधान शिशपाल कम्बोज जी और मंडल के अध्यक्ष आए थे तीनों, तो उन्होंने हमें अब आश्वासन दिया है कि ये जो जाल है जहाँ इससे नीचे वाली जो है लेवल पानी का नीचे, तो हम कोशिश करेंगे भी इसको सही बनाने के लिए, तो उसके लिए टाइम तो लगेगा वो कह के गए हैं, तो हमने भी उनकी बात पर विश्वास किया है गांव वालों ने। तो गांव इनमें 4 हैं जी, एक तो शाहपुर बेगू है, नेजिया अपने ये आर्नियावाड़ी है, रंगड़ी खेड़ा और दगतानिया, तो चारों गाँव के यहाँ व्यक्ति बैठे हैं, किसान बैठे हैं, उन्होंने भी उनकी बात पर विश्वास किया है और कहा है भी हमने धरना उठा देंगे, तो हमें विश्वास है कि भी वो हमारी जिस तरह से सहायता कर रहे हैं
तो आने वाले टाइम में ये जाल भी उठ जाएगी और पानी भी किसानों को सही ढंग से मिल जाएगा, यही उन्होंने विश्वासन दिया है। और हमें भी विश्वास है कि भाई ये जो है ना नेता जो आज आए हैं वो ये काम हमारा करवाएंगे, तो इसलिए हम ये धरने को आज समाप्त कर रहे हैं। तो अगर कोई कल को कोई बात हुई तो फिर आगे की कार्रवाई आगे देखी जाएगी। मौके की आज जो पोजीशन है तो हम धरने को ये सत्कृत कर रहे हैं, उठा रहे हैं, तो इस सरकार पर हमने विश्वास उन्होंने दिलाया है, तो उनके एक बार तो हम देखेंगे, उसके बाद में फिर देखेंगे भी हमने क्या करना है। तो ये किसानों को ऐसे नहीं, हमने यहाँ बैठे हमारे जो खेतों को पानी नहीं लगता, हमारे गांव का एक वाटर वर्स है वहाँ भी पीने का पानी नहीं है, तो इस दुख से हम यहाँ बैठे हैं। तो सर्दियों के दिनों में बिजाई के दिनों में इतने किसान बैठे हैं, तो हम तो अब उनकी बात पर विश्वास करके धरने को उठा रहे हैं। अब आगे सरकार क्या करती है क्या नहीं करती है वो तो सरकार जाने या अधिकारी जाने, लेकिन उन्होंने विश्वास हमें दिलाया है। हाँ जी, तो कितने दिन से धरना लगातार? ये धरना तो 17 दिन से चल रहा है जी, 17 से लेकर ये जो धरना है 17/11/2024 को चालू हुआ था और आज 23 तारीख होगी, तो लगभग हफ्ता हो गया जी, ये हफ्ता हो गया ये, तो हमने ये धरना लगाया था और आज ये हम उठा रहे हैं। तो आप हमारे साथ इस समय देख रहे हैं सिरसा के शाह सतनाम जी धाम और शाह सतनाम जी धाम के साथ लगती बन मंदोरी नहर जी। हाँ जी, बन मंदोरी डिस्ट्रीब्यूटरी, बन मंदोरी डिस्ट्रीब्यूटरी है जिसका नहर का पानी 4 गांव के खेतों को लगता है। और आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इतने दिनों में जब से धरना लगा रहे हैं किस तरीके से पारिवारिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार अभी त्योहारों का सीजन था और अब शादियों का सीजन चल रहा है, शादियों के सीजन के साथ साथ और भी बहुत सारी पारिवारिक समस्याएं घर में आती है, तो किस प्रकार की समस्याएं अजीत थे कोई बताओ? उर्जियाँ कोई दिक्कत यार? दिक्कत तो हमें समस्या जो पारिवारिक है, अब खेती बाड़ी का काम चल रहा है, गेहूँ की बिजाई चल रही है, सरसों की तो चलो कंप्लीट होगी, तो हम तो बैठे हैं यहाँ सर्दियों के दिनों में, रात को भी यहाँ बैठते हैं दिन को भी बैठते हैं, तो पारा तो लगता ही है भाई। एक तो हमारा जो सदस्य है उसको तो टाइफाइड हो गया, आज वो दवाई ले गया, यहाँ लंबा पड़ा था, अब देखा ही होगा आपने, तो वो तो देखो जी समस्या तो किसानों को तो समस्या ही समस्या है। जब पानी नहीं आता हमें तो वहाँ रात को सर्दियों की रात में खड़ा होता है, कनाल एक नहीं भीजती हमारी, इससे ज़्यादा और समस्या क्या होगी? अरे वाटर वर्स में पानी पीने के लिए नहीं है, हम वहाँ दूसरे गाँव से पानी लाते हैं, तो इससे ज़्यादा और समस्या क्या हो सकती है? तो आइए ले चलते हैं हम किसान साथियों के साथ वो नहर का विजिट और करते हैं, नहर और दिखाओ बाकियाँ ऊंची नीची है, तो आ जाओ साथ में चल के दिखाओ बड़े भी। तो आइए मेरे साथ, यहाँ किसान डेरा डालकर बैठे थे लगातार, जैसा कि किसान बंधुओं ने बताया कि उनका लगातार काफ़ी दिनों से यहाँ धरना चल रहा था, और इस धरने के अंदर आज बीजेपी के जिला अध्यक्ष और जगदीश चोपड़ा वरिष्ठ भाजपा नेता पहुँचे और उनके आश्वासन के साथ इन्होंने आज ये धरना है ख़त्म किया है। लेकिन जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो नहर है उसकी जो समस्या है, क्योंकि इनका कहना है कि नहर लगातार 25 सालों बाद इसमें पानी आया है और पानी आने के बाद भी अब तक भी इनके कंठ सूखे हैं। आज हमें इस बात की जानकारी मिली थी कि यहाँ पर हमारे किसान भाइयों ने पिछले कुछ दिनों से धरना दे रखा है, तो उनकी ये समस्या थी कि यहाँ पे ये जो आपके बगल में बन मंदोरी माइनर जो चल रही है इसमें पिछले 25 वर्षों से पानी नहीं आ रहा था, लेकिन अब पानी तो इसमें वधु आ रहा है, बहुत पानी है, लेकिन एक समस्या ये हो गई लाइनिंग के बाद, ये नहर पक्की होने के बाद, कि यहाँ पर नहरी विभाग ने एक फाल बना दी और उसके बाद जो है आगे की नहर नीची हो गई, नहर नीची हो गई, पानी का लेवल नीचे हो गया और जो मोगे हैं वो ऊपर हो गए और बाहर जो ज़मीन है वो भी ऊंची रह गई और पानी भी नीचा हो गया नहर में। तो ये इनकी बड़ी जायज़ उचित मांग लगती है, तो वो आज एससी साहब के सामने उनसे बात रखी भी थी और उन्होंने समय दिया है कि मैं मंगलवार को आके खुद विज़िट करूंगा। इससे पहले एसडीओ और एक्सियन कर चुके हैं लेकिन कोई संतोषजनक उसका हल नहीं निकल पाया, तो अब एससी साहब स्वयं यहां पर आएंगे और उसके पश्चात जो भी आगे की कार्रवाई है
वो चीफ को यहाँ से उसकी अनुशंसा करके भेजेंगे और ईश्वर की कृपा हुई और ये सब सज्जनों की ताकत है, उससे इसका समाधान होगा। तो इस समय आप हमारे साथ बंद मंदोरी माइनर देख सकते हैं। इस बंद मंदोरी नहर के अंदर पानी तो चल रहा है लेकिन किसानों के कंठ अभी तक सूखे हैं। और सूखे क्यों हैं, क्या आखिर इस नहर की समस्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन समस्या थोड़ा सा हमारे को दिख भी रही है कि पीछे से नहर है वो ऊंची है, लेकिन जब नीचे जाएंगे धरातल पे, नीचे की ओर ये नहर नीची होती जा रही है, तो जानने की कोशिश करते हैं जी। अब जी आ जाल है मनाई है, आ 2 फुट नीची दर्ड़ है, ए साइड में अब जमीन और दिखा दो, जमीन अब वो पानी चल रहा है जमीन के बराबर है जी, एकदम लेवल में नहर में पानी चल रहा है, अठू नहर तोड़ दें तो ही पानी कौन जाए जी, तो मोगा में तो पानी जाने को काम है ही कौन, एक हतर अठू 10-12 मोगा लागे है, 3-3.5 किलोमीटर जगह होगी सारी टैल तक, हाँ मोगा में पानी कौन बढ़े, अब अठे जितो भी पानी है चेक कर लियो गेज घेर के, वो सारो सारो पानी आखिरी टैल पर जा रही है, आखिरी टेल पर जा रही है, किसी भी मोगे में कौन चल रहा है, वाटर बक्स भी है बेगू को, बे में भी कौन चल रहा है, लेरा देखो कितनी भराई है, या बाई चांस कोई भी जानवर या रोज राज पड़ गयो या झाड़ बोझो आ गयो तो आठों टूटेगी, सारा इन्हें खेतों नुकसान ही होगा, मारो आगे पानी को भी नुकसान होगा, तो मारी इतनी मांग है कोई हमें घनी लंबी चौड़ी को नहीं, इन बराबर एक लेवल कर दो, एक लेवल करना ना ही तो कोई लेर ले जमींदार को पानी घटे ना आग लागो कोई नुकसान, भाई पानी सबके बराबर लाग जाएगा, जिसो भी मोगो सरकारी दे रखी है महकमे के थ्रू है, बेई मोगा मु वो ही पानी मंजूर, कोई या को नहीं भाई मोगा मारा मोटा कर दो, मारे खेत में सारो पानी खोल दो, वाह कोई मांग को नहीं, सारंग सांझी है भाई सारंग मोगा में बराबर को पानी चल है, वाटर बक्स में मौके को इतनी खाई खोद गए और पानी गिरन लाग रहे, मौके की वारदात में जाके देख लो भाई मोगा में पानी चल है, तो आ इतनी मांग है और इतनी विनती हमारी महकमा हूँ और सरकार हूँ भी इन्हें एक लेवल कर दो, 3 किलोमीटर को फांस लो है कोई ज़्यादा को नहीं, और यूँ ले रहे 2 किलोमीटर पर एक जाल और भी है, बा भी और ऊंची है, हाँ बा भी और ऊंची है, यूँ कम से कम है 6 फुट ऊंची जाल है पीछे, मिट्टी सोखी कौन सकाई जाए जी, वो तो किसी अब वो पानी सारा को सारा टाइल पर जान लग रही है, मारा मोगा में कौन बढ़ने लग रही है, मेरे जमींदार तो कर ठगी कर लिया, पेगू को वाटर बक्स है, वाटर बक्स कोई मतलब ठगी बेड फोड़ के खाला को यार दोबारा जी 2 फुट डूंगी कर गए नाली यार पानी पुगा। एक बात और जी, SDO साहब यहाँ का है कि पुरानो जो अठे लेवल हो नहीं वो ही लेवल में कह आ गया नहीं रहे इंगो में नीची कौन करी, तो जी नीची ने करी अभी आ जगह पड़ी है जी बारी, अब एड और दिखाइयो जी भी ना मिट्टी में काट काट के जी बा जगह पड़ी है, यहाँ पड़ी है पुरानी जगह नेर है, अभी देख लो पुट जगह तो आ छोटी है, अरे यूँ नीचे और पुट गई 2 फुट को फांस लो है गेज मार गए, अरे हम देख लियो पुरानी को अभी यहाँ के दे मैं तो यूँ नीची करी को नहीं, तो झूठ को तो कहीं पकड़ी जाए कौन जी, अरे आंखें सामने दिखने लग रही है, इन्ने 2 फुट है और इन्ने पुट की माटी या ले पुट ले रहा हूँ और पुट आगे माटी काट दी 2 फुट को फांस लो गयो जी, बाकी भी 2 फुट है कटड़ी है असगली माटी कटड़ी है, असगली माटी बरबर हो जमीन के बरबर हो पानी लगा वो जी 25 साल बाद में पानी आयो, नहर बनी जमींदार बड़ो संघर्ष करो, 15 साल तक बैठे रहा सरकार के धरने पर डोडी पर बैठे रहा, नहर बनी बड़ी सोहनी बनी है जी, नहर बूंदी कौन बनी सोहनी बनी, पर सरकार का कर्मचारी अठे ले आ गए 420 कर दी कि मोगा में पानी चला औरंगड़ी टैल पर पानी कौन पुगा, वहाँ के करो तरीको खेल लियो अट्ठे ले आ गए जी 1.5 फुट की 2 फुट की फाल दे दी, नहर है जिकिन जमीन में दाब ली, पानी नीचो कर दियो खेत ऊंचा है, पानी मोगा में चढ़ा है कौन तो पानी तो सारा नहीं बेरो जी टैल पर पुगे को, नहर पर आज रंगड़ी टैल पर है एक की बजाय 2 गुणों पानी जा रही है, पर मारा मोगा में कौन चल है जी, मोगा में नहीं चल है वाह भैंस काम की जहाँ दूध ही कौन दे, आ नहर मारे के काम की रही है जब हमारे खेतों में पानी कौन लागे, इंगो सारा मोटो साबूत है जी बेगू वाटर बक्स जकी की नाली है जगह मैं बा पुरानी नहर को पानी चाले कर दो,
आज ऊंच महल चार महीना छह महीना जे घंटा दो घंटा आती तो चाले कर तो बाहर नाली अब सुखी पड़ी है। मारा मोगा है पानी जरूरत आला खेत में क्यारी कौन बीजे जी, नहर में पानी बापर है जी, के करा मुँह धोवा नावा पर मारे जी मोगा में पानी नहीं चाले तो किसान मरण मरण परी है जी। पर लाज के है ना हमारा खेता में जा पानी ना हमारा बाटर पुस में पानी जा, रंगड़ी टहल पर पानी बापर है जी, ने जी गाँव में बापर है, बीच में है आठ दस मोगा है, आम में बिल्कुल ही पानी चलने का आसार को नहीं। मोगा जरूर दे दिया, पानी जरूर दिखा दियो, हमारा खाना में पानी कौन चले जी, हमारे खेत में कैरी कौन बीजे। सारा मोटो सरकार उन्दरकास है भाई क्यों करी करके नहर को तली ऊंची कर दे, बिजिया ने जी करना ये बिसी मारी कर दे, ऊंची हो जाएगी तुम्हारे जी सोपंती आ जो पानी मिल जाएगो। मैं संतुष्ट हाँ जी, पानी बहुत है, नहर बढ़िया है, सरकार बढ़िया है, कर्मचारी बढ़िया है, पर पानी बढ़िया कौन जी। जद करके किसान अड़े बैठे हैं 17 तारीख हूँ, एक हफ्ता बैठे हैं, आश्वासन दे के गया है जगह आया है वह कह उठाओ जी मंगलवार तक थारो मसलो हल करा, अगर कर्मचारी आगे मसलो हल करे तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं किंगा और की डोडी पर जाके बैठांगा ओ लेरो लेरा क्यों जी करवावांगा भाई, मारे पानी चाहिए पानी दो, सरकार हूँ दरखास्त है पानी दो पानी दो पानी दो, धन्यवाद। तो आप हमारे साथ इस समय देख रहे थे सिरसा के नेजिया गांव के पास ये बन मंदोरी नहर है, जहाँ इस नहर को जिसका तल यहाँ देख सकते हैं आपको नीचा दिखाई दे रहा है, इसको कहा जा रहा है कि इसको बिल्कुल एक लेवल पर किया जाए, और एक लेवल पर ना करने के कारण इन परिवारों को इन किसान बंधुओं को काफ़ी दिक्कतें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इनके खेतों को पानी नहीं लगता, क्योंकि जो मोगे होते हैं बीच के अंदर उन मोगों के जरिए पानी इनके खेत तक नहीं पहुँच रहा, और जैसा कि इन किसान बंधुओं का कहना है कि वो भैंसी क्या काम की जो दूध ही ना दे, तो इनका कहना बिल्कुल वाजिब था और समस्या बिल्कुल वाजिब भी है। और आज यहाँ बीजेपी के नेता और जिला अध्यक्ष भी पूछे तो आखिर इनकी समस्याओं का समाधान कब होगा, नेताओं ने तो इनको आश्वासन दिया है कि आखिर इनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, और इसी आश्वासन के साथ आज इन्होंने उनकी बात पर विश्वास जताते हुए उन्होंने कहा है कि हम अपना धरना उठाते हैं, लेकिन देखते हैं कि आखिर इनकी समस्याओं का समाधान होता है या नहीं। लेकिन इस समय आपकी मेरे साथ यहाँ देख रहे हैं और भी आइए बात करने की कोशिश करें। पहले तो आपका ये चैनल का हमारे आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये कह रहे हैं जी ये नहर जो है जो कोई मारे तो कोई फायदा नहीं, इससे पहले वाली अच्छी थी क्योंकि कुछ ना कुछ पानी लगता था, अब जमा ही नहीं लग रहा। 7 घंटा मेरे एक किला भिजे है, हिसाब लगा लो आप 7-7 घंटा बारी किसके पास है, किसी के पास 2 घंटा है, किसी के पास 1 घंटा है, तो हम जाएँ तो जाएँ कहाँ जाएँ। अब ये हमारी मांग है सरकार से और इन कर्मचारियों से कि ताकि नहर को दोबारा ऊंची उठा दे, तो हम सभी जमींदार इनको धन्यवाद करेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ी है वो उनको आभारी रहेगी। और हमारा आज काम का सीज़न है, हम यहाँ 10 दिन से यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, तब बिजाई का समय है, किसान को इतना टाइम कहाँ है, यहाँ जो यहाँ इस बेली जगह पर आके यहाँ पर बैठना पड़ता है, हमें मजबूरी है हमारी। बिल्कुल जी। बहुत तो मजबूरियां होती है, कोई यूं ही नहीं डेरा लगाता, तो इनकी मजबूरियां थी जब इन्होंने वो डेरा लगाया, और सारी बात हमारी अभी भी इन किसान बंधुओं के साथ चल रही है। देख सकते हैं झाल मारता हुआ पानी आपको दिखाई दे रहा है, किस तरीके से सुमित जी नज़दीक से दिखाइए किस तरीके से ये जो बनाया गया है, देख सकते हैं यहाँ से नहर ऊंचाई पर है, और पीछे की ओर चलेंगे जब हम नेजिया गांव की ओर तो इससे भी ज़्यादा वो नहर ऊंचाई पर बनाई गई है। लेकिन इन किसान बंधुओं का कहना है कि इस नहर का लेवल एक पुल का पानी अड़ी है, पुल के ऊपर पानी बिल्कुल पुल से भी ऊपर पानी साफ दिखाई दे रहा है कि पुल से भी ऊपर पानी बढ़ता जा रहा है, और इस कारण यहाँ इन किसान कहनों का कहना वाजिब है कि ये नहर कभी भी टूट सकती है। और जिस तरह जी नहर बनी है, नहर के पिछों ले पिछे पानी पूरा करने खातर वो बंदो मार दियो, मतलब टैल बना आप जाल बना दी, जाल बना के मैं पानी बचे तो आगे जा वो नीचो कर दियो, मारे लिए तो यार जाल सारू मोटी शामत होगी, इन कारण नहर बनी हुई नहर बनी बराबर है, अरे ये जाल के कारण लेर नेजिए जी नेजिए ताई ओवरफ्लो हो रही है, अगर इसमें थोड़ा सा पानी हो रहा है या बरसात आ जाए तो ये नेजिए तक ओवरफ्लो होकर टूट सकती है नहर, परंतु कर्मचारियों ने अपना काम कर दिया, नेजिए को पानी पूरा कर दिया, आगे टैल पर पूरा कर दिया, बीच के 6-7 मोगे है जी वहाँ पर पानी न होने के कारण यहाँ धरना लगाया गया, धरने पर बैठे हैं, चलो मसला हल हो जाता है बढ़िया है, नहीं तो दोबारा बैठना पड़े या लंबा चलाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, इसको बंद करना पड़े या चालू करना पड़े, वो तो बाद की बात है, पर आज जी आश्वासन दे के भी विश्वास पर रहे हैं जी, इस नहर को
डेढ़ फुट उठा के बना दी, मान लो भर दी जाए नहर को और पानी ऊपर आ जाए तो पानी लग सकता है, नहीं नहीं लगता है। तो आप हमारे साथ इस समय देख रहे हैं यहाँ सिरसा के बन मंदोरी नहर।